नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको जो आज वीडियो बताने वाले हैं कि अगर आपको आप प्रॉब्लम हुई है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं, दिखाते हैं आज इस वीडियो में क्या आपको बताने वाले हैं। जैसा कि देखिए, हमने पावर ऑन कर दिया है और जैसे पावर ऑन करते हैं तो आपको कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आवाज आती है और यहाँ पे देखिए कुछ हमसे पूछता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे यह फोन प्रेस करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे जो सिमोस बैटरी डिस्चार्ज जाती है यानी खत्म हो जाती है तब ये ज्यादातर पूछता है। तो इसको कैसे हम सही करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सेव चेंजेस या फोन। जैसे आप यह फोन प्रेस करते हैं तो ये सेव करता है। उसके बाद सेव करने के बाद आपका इस तरीके से विंडो आता है, फिर आपसे एक बार फिर से पूछता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आपको फिर एक बार पूछेगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे यह फोन फिर पूछेगा, उसके बाद आपका सिस्टम ऑन होता है। तो अगर ये बार बार आपसे पूछता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज इसी वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीमोस बैटरी है जो कि आपको मार्केट में बहुत इजी तरीके से 5-10 रुपए की मिल जाती है। ये हमारे मदरबोर्ड को चार्ज करती है, जब ये बैटरी खराब हो जाती है तो ये वर्क करना बंद कर देता है, इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे और किस तरीके से इसका प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है, डेट टाइम इज नॉट सेट। ये डेट टाइम का भी प्रॉब्लम इसी के कारण होता है, अगर आपका डेट टाइम बार बार चेंज हो जा रहा है तो यही कारण होता है उसका चेंज होने का। तो जब आप इसको सही कर देंगे तो ये आपको कंफर्म बता देते हैं कि आपका ये काम सही हो जाएगा। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर बटन बंद कर देना है, यानी इसको हम पावर बटन को यहाँ से बंद कर देते हैं। हमने बंद कर लिया, अब आपको सीपीयू को ओपन करना है, मदरबोर्ड को। तो हम ओपन कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो हमारा सीपीयू है इसको हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी सीमोस बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, इसी को हम चेंज करने वाले हैं। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारी सीमोस बैटरी, इसको हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो सीमोस बैटरी हमने यहाँ पे देखिए ओपन कर लिया है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, तो सीमोस बैटरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए एक लॉक दिया है, इस लॉक को इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो एक हमारा जैसे बैटरी होगा उस तरीके से आपको बैटरी निकल कर वापिस आ जाएगी। तो आप इस तरीके से लॉक को इजी तरीके से खोल सकते हैं, जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे खोल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने जीप पे आप लगा सकते हैं प्लस पॉइंट जो दिया है। तो आपको जो अगर प्लस पॉइंट अगर हल्का फुल्का अर्थिंग आ रहा है तो यानी ये सही है, अगर हल्का फुल्का नहीं आ रहा है तो यानी ये बैटरी हमारी खराब है। तो जिस तरीके से आप निकालें उसी तरीके से नई वाली को देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि इसमें आप देख सकते हैं इसी को इस तरीके से आपको लगाना है, जैसा कि यहाँ पे। और इस तरीके से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इस तरीके से दबा देना है। आप जैसे यहाँ पे दबा देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लग गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर खोलेंगे। देखिए हम यहाँ से पावर को ऑन करते हैं, यहाँ से देखिए हमने पावर को बिल्कुल ऑन कर दिया है। अब आपके स्क्रीन पे क्या मैसेज होगा, अभी देखिए हमारे पास कुछ मैसेज नहीं शो कर रहा है। यहाँ से देखिए हम पावर को यहाँ से ऑन करते हैं, देखिए हमने पावर को ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि क्या पहले मैसेज आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये मैसेज आ रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं वही सारे सीपीयू है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट हमारा यहाँ पे विंडो ओपन हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है अगर सीमोस बैटरी का ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर ये फोन जो आप प्रेस करते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा विंडो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी इस वीडियो में तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर कमेंट करिए। इसी तरीके से वीडियो आपको हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।